Welcome back to my channel. मैं हूँ प्रभा और Cook with प्रभा में है आपका स्वागत. As always मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा easy recipes. को देखकर तो आप समझ ही गए हैं कि मैं फाफड़े की बात कर रही हूँ. हाँ, आज हम बनाएंगे वही फाफड़े जो कि हमारे और आपके चहेते जेठालाल का है फेवरेट, जिन्हें वो जलेबी के साथ खाना पसंद करते हैं. लेकिन उसके लिए उससे पहले कर ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वीडियोज को कर ले लाइक. और आज सीखिए बहुत ही ईजी वे में बनाना फाफड़ा. तो जेठालाल का फेवरेट गुजराती स्टाइल फाफड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बेसन, उसमें ऐड कर लेंगे एक पिंच हल्दी और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा अजवाइन और इसको हम कर लेंगे हाथों से क्रश अच्छे फ्लेवर के लिए और इसको हम ऐड कर लेंगे क्रश करने के बाद इस तरीके. और इसके बाद हम ले लेंगे एक पिंच से भी कम थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ताकि ये बिल्कुल कुरकुरे रहे. और अब हम इसमें स्पून से थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे इस तरीके. थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें वाटर ऐड करेंगे स्पून से बिल्कुल इस तरह से. और वाटर स्पून से इसलिए ऐड करना है क्योंकि बेसन जल्दी गीला हो जाता है ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा गीला ना हो इसका थोड़ा सा सख्त डो ही बनाकर रेडी करें बिल्कुल इस तरीके. ये देखिए हमारा डो बनकर हो चुका है रेडी. चिकना कर लेंगे डो थोड़ा सा, ये चिकना कर लिया हमने. अभी हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ करके रख लेंगे इस तरीके. अभी हम इनको गोला नहीं करेंगे, पहले हम इनको तोड़ के रख लेंगे इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल इस तरीके. तो फाइनली हमने सारी लोइयों को तोड़ करके रख लिया. अब हम एक एक करके इनको राउंड शेप दे देंगे एग्जैक्टली जैसे बॉल्स को देते हैं इस तरीके हम इनको शेप दे देंगे. ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोटा और नीचे की तरफ पतला और इस तरीके हम इनको रखेंगे. आप जिस सरफेस पे बना सके उस पे बना लें. बहुत लोग थाली पे बनाते हैं बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप चकली रखे हुए हैं, चकला अदरवाइज ग्रेनाइट है या आपका किचन का प्लेटफॉर्म है आप उस पर बनाएं, ये उस पर ज़्यादा अच्छा निकलेगा. तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये जो हथेली है इसमें मैंने पहले भी थोड़ा सा फाफड़ा बनाया थोड़ी देर पहले, तो अभी वही बेसन लगा हुआ है. इसको हम निकाल लेंगे और यही हथेली जो है एग्जैक्टली ये वाला पार्ट, इसकी मदद से हम इसको प्रेस करके बहुत लंबा सा करेंगे बिल्कुल इस तरीके. हम इसको प्रेस करके बड़ा करते जाएंगे इस तरह से. तो ये देखिए हमारा जो फाफड़ा है वो बनकर हो चुका है रेडी. तो ये देखिए ये कितना अच्छा बना हुआ है. बिल्कुल इसी तरीके बना लेना है आपको भी. अभी इस तरीके पतले नोक वाली चाकू ले लेंगे और जो इसका धार वाला साइड है ये वाला साइड, इस तरफ से हम इसको इस तरीके डालेंगे फाफड़े के नीचे और इससे हम निकालते जाएंगे बिल्कुल इस तरीके हम इसको निकालते जाएंगे. और ये देखिए फाफड़ा हमारा निकल गया. तो ये देखिए हमने सारा फाफड़ा एग्जैक्टली वैसे ही बना लिया है. देखिए कितने पतले पतले निकले हुए हैं. ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती बनाने में, बस ये है कि आप जिस सरफेस पे इसको बनाएंगे वो फ्रिक्शन लेस नहीं होना चाहिए. हम एक कढ़ाई या पैन रख लेंगे गैस पर और इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल उतना ऐड करें जिसमें कि आपका फाफड़ा अच्छे से फ्राई हो सके, टूटे नहीं. अभी हम ऑयल को गर्म होने देंगे. तो अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है. अब हम इसमें एक एक करके सारे फाफड़े इस तरीके डाल लेंगे. तो ये देखिए अभी हमने 3 फाफड़ा इसमें डाल दिया है. देखिए ये कितने बड़े बने हुए हैं और कितने अच्छे से पक रहे हैं. एग्जैक्टली यही टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल फाफड़ा आपका भी बनकर हो जाएगा रेडी. अभी हम इनको पलट लेंगे इस तरीके. और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो फायदा ये है कि आप चाहें तो इसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं. अभी हमें इसको फ्राई करते लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल क्रंची और कड़क हो गए हैं. और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से. अभी हम इनको निकाल लेंगे
सो फाइनली हमने एग्जैक्ट गुजराती स्टाइल फाफड़ा एकदम कड़क बनाकर कर लिया है रेडी, जैसे कि गुजरात में बनता है। तो ऐसी ही रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाएं सब्सक्राइब करने में अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर हो गई रेडी, इसीलिए कहती हूँ कर ले सब्सक्राइब ताकि इसी तरीके इजी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाय बाय।